नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर स्टार एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम किस तरह एक्सेल में कस्टम ऑटोफिल सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑटोफिल सीरीज क्रिएट करना सिखाया है, उसी तरह आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कस्टम ऑटोफिल सीरीज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे चैनल का ये खासियत है कि मैं जो भी आज चीज़ आपको सिखाता हूँ तो उसका क्या यूजेस है और क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं पहले बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कस्टम ऑटोफिल सीरीज होता क्या है और हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। हमने ऑटोफिल सीरीज करना सीखा है। ऑटोफिल सीरीज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जनवरी फरवरी से लेकर ये पूरा मंथ चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे जन फेब, देन हमें क्या करेंगे इसे सेलेक्ट करना है, देन अगर हम ड्रैग करेंगे तो एक्सेल हमें ऑटोमेटिक इस तरह पूरा मंथ दे देगा। ओके, इसे कहते हैं ऑटो फिल सीरीज। ऑटो फिल सीरीज के अंदर कस्टम फिल सीरीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इंप्लॉय का आईडी यूनिक है यानी कि P001, ये कोई जनवरी फरवरी नहीं है जो इनबिल्ट होता है। मान लीजिए मेरा जो आईडी है वो है P001 और हमें ये इस तरह का पूरा आईडी चाहिए तो हमें क्या करना होता है, लिखना होता है हमें मिनिमम दो सेल के अंदर से लिखना होता है, देन हम सेलेक्ट करते हैं, देन हमें वो एक्सेल रिटर्न कर देता है। ओके, ये हो गया नॉर्मल कस्टम फिल सीरीज। बट आज के इस वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल है जो हम कस्टम ऑटो फिल सीरीज कह रहे हैं उसे। ओके, चलिए इसे समझते हैं। अगर आप एक्सेल यूज करते होंगे तो आपको कभी ना कभी प्रैक्टिस करने के लिए आपने डेटा का जरूरत हुआ होगा। तो आप डेटा में आपने फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नाम को लिया होगा, स्टूडेंट्स के नेम को लिया होगा, तो हमें क्या होता है कि हमें बार बार उन स्टूडेंट्स के नेम को या एम्प्लॉय के नेम को लिखना होता है। जिस तरह हम एक्सेल में रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके रैंडमली किसी नंबर को, अगर हमें लगता है नंबर हमें चाहिए, नंबर वैल्यू चाहिए, तो हम रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके रैंडमली नंबर ले सकते हैं। बट एक्सेल में ऐसा कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन नहीं है जिससे कि आपको आपका डिजायर यानी कि कस्टम फील आपको फील सीरीज दिया जाएगा। ओके, इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैनुअली बार बार हमें नाम लिखना होता है या मैनुअली हमें उस नाम को लिखना होता है। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो अगर आप किसी सेल्समैन के ऊपर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको रेगुलर बेसिस पे उन्हीं सेल्समैन के ऊपर डेटा को क्रिएट करना होता है, फिर भी आपको बार बार उनका नाम लिखना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कस्टम ऑटो फिल सीरीज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ राजा, ठीक है, मुझे एक चार्ट क्रिएट करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नाम का जरूरत है, तो अगर मैं यहाँ राजा लिखता हूँ, देन अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे ऑटोमेटिक एक्सेल ने नाम को प्रोवाइड कर दिया है। ओके, कुछ एम्प्लॉय नेम को प्रोवाइड कर दिया है। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, इसे हमें बनाना होता है, जिससे कि हमें नाम लिखने का जरूरत नहीं पड़ा और हम टाइम सेव कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कस्टम ऑटो फिल सीरीज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ इम्प्लॉय के नाम को चाहिए जो हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे और किस तरह कस्टम ऑटोफिल सीरीज क्रिएट करेंगे, चलिए वो समझते हैं। देन हमें जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहां से जाना है एडवांस में, देन आपको स्क्रोल करते हुए नीचे आना है और जनरल सेक्शन में आना है। देखिए, जनरल सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट एंड फिल सीक्वेंस, एडिट कस्टम लिस्ट, आपको यहाँ आना है। जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ देखिए एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। हम ये समझते हैं ना कि ऑटो फिल सीरीज किस तरह काम करता है। ऑटो फिल सीरीज इस तरह काम करता है क्योंकि देखिए आप यहाँ इनबिल्ट एक्सेल में पहले दिया गया है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे यह सेट है, इसी तौर पर काम करता है। उसके पीछे जो रीजन है, जब हम मंडे या ट्यूजडे लिखते हैं देन हम अगर उसे सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो फील हो जाता है उसके पीछे ये कारण है कि एक्सेल में ये इनबिल्ट लिखा गया है। देखिए, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, फिर से फुल में लिखा गया है, जनवरी फरवरी फुल में। ओके, और मैंने यहाँ देखिए हमारा जो कस्टम नेम है मैंने यहाँ लिखा है। आपको किस तरह जाना है, देखिए आपको न्यू लिस्ट में जाना है, देन आपको यहाँ क्लिक करना है, देन आपने जो नाम भी आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मोबाइल्स के नेम को नोकिया, सैमसंग,
शाओमी, ओके, वीवो, देन ओप्पो, देन हमने ले लिया, देन हमें एड पे क्लिक करना है, देन आप देखेंगे यहाँ आपको शो हो रहा है ब्लू कलर से, देन आपको ओके प्रेस करना है, देन ओके, फिर ओके, देन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नोकिया, ओके, नोकिया लिखने के बाद अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमको नाम लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ओके चलिए हमें नाम लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद अगर मुझे एक चार्ट क्रिएट करना है, मैं आपको दिखा दे दूँ चार्ट क्रिएट करके हमें कितना टाइम हमारा सेव हुआ है, देन यहाँ क्लिक करके देन इंसर्ट में जाते हैं, देन हम चार्ट ले सकते हैं। तो देखिए हमारा चार्ट कितना जल्दी क्रिएट हो गया, ये सिर्फ चार्ट के लिए नहीं था, ये इसलिए था कि आप जब भी जो भी डेटा क्रिएट करें, आप कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे कंडीशन में कुछ नाम का जरूरत होता है, ओके। या आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपके जो इम्प्लॉय है उनका भी, आप जिस इम्प्लॉय पे काम करते हैं उनका बार बार आप नाम लिखने से बच सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो आप मेरे इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट computerstaracademy.weebly.com से, आप इस वेबसाइट में जाएं, देन आपको जाना अबाउट सेक्शन में, यहाँ वो फाइल अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एक्सेल, एडवांस एक्सेल और टैली सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।